हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल JDS लॉ गुरुज में। दोस्तों कई लोगों का मेरे पास सवाल आ रहा था, क्या सर हम अपने केस में खुद वकील बन सकते हैं या हम बिना वकील किए अपना केस लड़ सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बट बहुत परेशानी आई। जी हाँ दोस्तों, हमारे कानून में ऐसा प्रावधान बनाया गया है जिसमें आप अपना केस स्वयं लड़ सकते हैं, परंतु यह चीज जानने की जरूरत होगी दोस्तों कि क्या जो टेक्निकल टर्न होते हैं या जो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज होती है, कई जगह एफिडेविट लगती है, MOU लगती है, या कोई सी रेप्लिकेशन लगती है या WS फाइल होती है, वो टेक्निकलिटीज आम लोगों को नहीं पता होती है। और यदि आप वो विद इन डेज पूरा नहीं करते हैं तो आप पे कॉस्ट भी लग जाती है। तो इन मसलों में आप अपने केस को खुद नहीं लड़ सकते हैं, बहुत परेशानी आएगी, आपको किसी न किसी वकील की सहायता लेनी ही पड़ेगी। परंतु वहीं दोस्तों हम देखते हैं कि कई ऐसे केसेस हैं जिसमें आप खुद भी लड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें होता है कि लोक अदालत के जो केसेस होते हैं, लोक अदालत में मान लीजिए इन्फोर्समेंट का केस लगता है बिजली वगैरह से रिलेटेड, या कोई और ऐसे पेटी नेचर के केसेस होते हैं जो कि सेटलमेंट पे बात होती है, उसमें आप लड़ सकते हैं। दूसरी चीज, जो चालान के केसेस होते हैं उसमें वकील करना मैंडेटरी नहीं है, वहां आप खुद जाके अपीयर हो सकते हो और चालान को माफ करना या कम करना वो जज की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि बिना वकील के भी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, यदि आपके कुछ सवाल है वो भी जरूर पूछे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल JDS लॉ गुरुजी। सत्यमेव जयते।